This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. For yummy foods and adventurous trips, subscribe Yummy Food Path. वैष्णो देवी ट्रिप से पहले जान लें ये खास बातें, नहीं होगी परेशानी। हेलो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बनाया प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो इस बार आपको वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों को जानकर वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान करें। एनजीटी ने माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर एक दिन में 50,000 श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। इससे बिना पर्ची के कटरा पहुँचने वाले यात्रियों को खासी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने पर अब नई पर्ची जारी नहीं की जाएगी। यदि आप कटरा के पंजीकरण कार्यालय में यात्रा की पर्ची लेने में पहुँचे और यात्रियों की संख्या अधिक हो गई, तो हो सकता है आपको वहीं रुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको यात्रा के लिए अगले दिन की पर्ची मिलेगी। इसलिए माता के धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पर्ची लेना ज़्यादा लाभकारी है। एनजीटी के आदेश के मुताबिक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और वहां का प्रशासन इस पवित्र स्थान पर स्वच्छता को लेकर खास सतर्क है। एनजीटी के प्रशासन को आदेश दिया है कि यदि कोई भी कटरा में गंदगी करता पाया जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 24 नवंबर से एक नया रास्ता शुरू किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि इस रास्ते पर केवल पैदल यात्री और बैटरी कारें चलेगी, यानी इस रास्ते पर घोड़े, टट्टू और पालकी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।